लेकर उनकी यात्रा को लेकर जब कल से यात्रा जो हम के देखते हैं कि यात्रा शुरू होने वाली है उसके बावजूद भी अभी तक उनके बारे में कोई महत्वपूर्ण जानकारी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं हो रही मीडिया के द्वारा ये मेरे ख्याल से बहुत है बिल्कुल ये बात यहाँ पर इसमें कोई शक नहीं है कि राहुल गांधी ने जो अपनी पहली भारत जोड़ो यात्रा की थी वो कहीं ना कहीं जमीन प्रमुख दल जिनमें से तीन दल जो है यूपी की राजनीति में काफी सक्रिय भूमिका में रहते हैं चाहे विधानसभा चुनाव की बात करें नमस्कार एस पी एन नाइन न्यूज आप देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल स्वागत है आप सभी का एस पी एन नाइन न्यूज की इस खास पेशकश में 2024 का चौकीदार कौन 2024 शुरू हो चुका है और इस साल होने वाले देश के आम चुनावों की उल्टी गिनती भी जारी है लेकिन इस उल्टी गिनती में एक तारीख आई है चौदह जनवरी जब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा अध्याय कही जाने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू हो रही है जो बीच में तेरह राज्यों से होते हुए पंद्रहवें राज्य महाराष्ट्र में जाकर खत्म होगी चौदह जनवरी से वो यात्रा अब शुरू हो रही है जो जाकर मुंबई में बीस मार्च को खत्म होने वाली है इस यात्रा के जरिए कांग्रेस इन पंद्रह राज्यों की तीन लोकसभा सीटों से होकर के गुजरेगी जिसमें मुख्य रूप से उनकी नजर लगभग पूर्वोत्तर की सौ सीटों पर रहने वाली है साथ ही साथ इन तीन लोकसभा सीटों का जिक्र चला है तो बता दें कि वर्तमान में तीन लोकसभा सीटों में से बीजेपी के 241 सीटों पर सांसद हैं और कांग्रेस के पास इन तीन में से महज 16 लोकसभा सीटें हैं वहीं अगर सत्ता की बात करें इन पंद्रह राज्यों की तो एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार हो ऐसे में अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर सवाल है और कहीं ना कहीं कांग्रेस पर दबाव भी होगा क्योंकि जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा सात सितंबर दो को कांग्रेस की शुरू हुई थी उसके बाद ही कांग्रेस ने कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराया था और माना जा रहा था कि दोनों राज्यों के विधानसभा चुनावों में जीत में बड़ी भूमिका यहां भारत जोड़ो यात्रा ने अदा की है तो क्या अब इन राज्यों में में वापसी और इन राज्यों राज्यों में में विधानसभाओं वापसी और के लोक के लोकसभा जरिए यहां केंद्र के सत्ता में और मजबूती कांग्रेस को इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा से मिलेगी या नहीं ये सवाल है और इसके साथ और भी सवाल है न्यूज रूम में, में मेरी मौजूदगी है और न्यूज रूम में, में मेरे साथी भी मौजूद उन्हीं से इन सवालों के जवाब लेंगे सबसे पहले यहां मंजूर से जानेंगे जी लगातार बात कही गई कि कर्नाटक और हिमाचल की जीत में भारत जोड़ो यात्रा की बड़ी भूमिका रही क्योंकि सीधी पट्टी में यात्रा निकली थी कन्याकुमारी से चलकर कश्मीर तक सीधी पट्टी अगर हम देखें तो कर्नाटक भी पड़ा फिर हिमाचल प्रदेश भी पड़ा लेकिन ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है दूसरा अध्याय कही जा रही है क्या इसके जरिए कुछ राज्यों में और लोकसभा सीटों में वापसी कर पाएगी देखिए अक्षय अगर हम देखें पूरे मामले को तो नजर आता है कि 2019 में कांग्रेस कांग्रेस के पास इन पंद्रह राज्यों में तकरीबन चौदह पंद्रह का सीटें मिलती हैं और बीजेपी को देखें तो एक प्रचंड जीत उनको हासिल होती है तो ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी वाकई मुकाबला कर पाएगी क्या वाकई बीजेपी को टक्कर दे पाएगी और क्या वाकई राहुल गांधी की ये जो यात्रा शुरू हुई है पंद्रह स्टेट में क्या उनके लिए एक बार फिर संजीवनी साबित होगी कि एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के अंदर वो जो कह सकते हैं प्राण फूकने में कामयाब हो पाए क्योंकि लगातार कोशिश हो रही है बट फिर भी कोई बहुत बेहतर रिजल्ट सामने नहीं आ रहा भारत जोड़ो की बात करें हम उस समय भी ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट होगा और पाँचों राज्यों में एक तरीके से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं बल्कि उल्टा कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो गया कि जो दो राज्य उनके पास थे वो भी उनके पास से चले गए तो ये कहना है कि उनकी यात्रा से बहुत फर्क पड़ने वाला है मुझे ऐसा नहीं लगता लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि ने आपको लोगों के बीच बनाए रखने के लिए इस तरह की यात्रा का बहुत की जरूरत भी है अहमियत भी है और ये बात कहने की राहुल गांधी और तमाम जो उनके लोग हैं वो समझ रहे हैं कि राहुल गांधी को ही अगर इस समय हम लेके चलेंगे तो शायद हमारे लिए कुछ बेनिफिट हो जाए क्योंकि राहुल गांधी भले ही जो कह सकते हैं कि बीते विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को करारी हार मिली हो उनके चेहरे पे मिली हो लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास अभी फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है इसीलिए राहुल गांधी को बार बार ट्राई कर रहे हैं और हो सकता है कि राहुल गांधी अगर इस बार भी कोई इम्पैक्ट क्रिएट ना कर पाए तो कांग्रेस पार्टी कुछ आगे की तरफ देखे तो इसीलिए ये जो यात्रा है बहुत ज़रूरी है बीजेपी को टक्कर देने के लिए बीजेपी का सामना करने के लिए मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पार्टी को यहाँ से अपने लिए एक नई रणनीति के तहत जाना पड़ेगा लोगों को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे लोग ये लगातार देखने को मिल रहा है कि राहुल गांधी को देखने के लिए तो बहुत लोग आ जाते हैं हजारों संख्या में आ जाते हैं लेकिन जब वोट देने का नंबर आता है तो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते आपको याद होगा जिस तरह से भारी बारिश में भी राहुल गांधी ने भाषण दिया था उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर हर जगह वायरल हुई थी लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास में उतने वोट नहीं आए जिससे वो एक माहौल बदल सकें या बीजेपी के लिए एक चुनौती साबित कर सकें इसीलिए इस यात्रा को लेकर एक अलग तरह का मिशन मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने जरूर बनाया होगा कि उससे उनको कितना फ़ायदा होना चाहिए लेकिन साथ में जिस तरह 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम है उसका जो कह सकते हैं शुरुआत है तो ऐसे में न्याय यात्रा को कितनी मीडिया कवरेज मिलेगी कितनी चर्चा उसकी होगी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अभी भी आप देखें तो मीडिया में एक सुनापन है राहुल गांधी को लेकर उनकी यात्रा को लेकर जब कल से यात्रा जो हम देखते हैं कि यात्रा शुरू होने वाली लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक उनके बारे में कोई महत्वपूर्ण जानकारी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं हो रही मीडिया के द्वारा ये मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा उनके लिए परेशानी का सबब है क्योंकि मीडिया से बहुत सपोर्ट राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी को नहीं मिल रहा है आप जैसे कह रहे हैं उससे एक छोटा सा सवाल ये बन रहा है कि कांग्रेस को लोगों के बीच बनाए रखने में यात्रा सफलदायक है और कहीं ना कहीं यहाँ और भी ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकती है लेकिन वे लोग वोट क्यों नहीं दे रहे हैं जब चुनावों की बारी आती है देखिए बिल्कुल यही बड़ा सवाल है कि क्या ये अपनी योजनाओं को लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं या मुद्दे सही ढंग से लेकर नहीं आ पा रहे हैं मुद्दों को सही ढंग से रख नहीं पा रहे हैं लोगों की जो जरूरत है उसके खिलाफ ही लोग बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं तो इन चीज़ों को समझना पड़ेगा क्योंकि क्योंकि राहुल गांधी ने बोला था मोहब्बत की दुकान मैं चला रहा हूँ जब मोहब्बत दुकान चला रहे हैं तो फिर आपको आपकी मोहब्बत को लोग पसंद क्यों नहीं कर रहे तो कई तरह के वाले जो हो सकता है कि लोग उसे कनेक्ट ना हो पा रहे हो तो ऐसे में जो बेरोजगारी है महंगाई है तमाम तरह से मुश्किल में लोग जी रहे हैं उसका भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों के ऊपर जो है कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी को फोकस करना चाहिए ताकि जो जमीन से जुड़े मुद्दे हैं उनके ऊपर अगर काम किया जाए तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को इससे फायदा मिल सकता है बिल्कुल यहां पर कांग्रेस पार्टी को इससे फायदा मिल सकता है कि अगर यहाँ लगातार कांग्रेस ये चीज कह रही है कि मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी लेकर चल रहे हैं चला रहे हैं तो यहाँ पर जो मुद्दे हैं जो यहाँ बेरोजगारी है महंगाई और तमाम ऐसे मुद्दे हैं

मुद्दों को लेकर ले की थी आपने देखा भी होगा कि राहुल गांधी लगातार यहां पर पैदल चल रहे थे भरी ठंड में जनता से मुलाकात कर रहे थे देखिए यहां पर फिर देखा गया कि विधानसभा चुनाव चुनाव थे विधानसभा में जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी उन राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार अपनी अच्छी से छवि नहीं बना पाई लेकिन यहां पर मैं एक ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि बेशक यहां पांच राज्यों में से एक ही राज्य में कांग्रेस ने सरकार बनाई हो लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो राहुल गांधी ने जमीनी मुद्दों से जुड़े बातों पर वहां पर काम किया और जमीनी मुद्दे से जो जुड़ते नजर आए हैं इस यात्रा में जो कि भारत जोड़ो यात्रा पहली यात्रा थी ऐसा या दूसरी यात्रा में भी देखने को यही मिल रहा है है कि दूसरी यात्रा भी जो यहां पर शुरू होने वाली है। उससे पहले लगातार राहुल गांधी को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं तेज है कि राहुल गांधी की यह यात्रा भी ऐसे ही सफल होगी क्या जैसे पहले यात्रा सफल हुई थी तो देखिए सवाल तो इस वक्त यहां पर बहुत सारे उठ रहे हैं और कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने जिस तरीके से पहली यात्रा में जनता से बात की थी जनता से मिल रहे थे आप

यहाँ पर देखिए अभी मायावती के भी साथ लाने की खबरें हैं अखिलेश यादव पहले ही इंडिया गठबंधन में है। हैं आरएलडी एल जैन चौधरी काफ़ी सक्रिय हैं पश्चिमी यूपी की बात करें तो कहीं ना कहीं गहराबंदी को करने की कोशिश ज़रूर की जा रही है कि चार प्रमुख दल जिनमें से तीन दल जो है यूपी की राजनीति में काफ़ी सक्रिय भूमिका में रहते हैं चाहे विधानसभा चुनाव की बात करें चाहे लोकसभा की बात की जाए हालाँकि वो दूसरी बात है जब मोदी लहर में एक सुपड़ा साफ हो गया था और बासठ सीटें वहाँ पर जो दो के लोकसभा चुनाव थे वहाँ पर बीजेपी ने जीतने का काम किया था लेकिन यदि यहाँ से जो घेराबंदी होती नजर आएगी तो उसमें अक्सर यहाँ से चालीस से पैंतालीस फीसदी जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के हिस्से आता नजर आएगा और यहाँ से चुनौती काफी बढ़ जाएगी क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम यादव और दलित ये तीनों जब एक साथ मिलकर और मतदान करेंगे तो यह टोटल पॉपुलेशन करीब 50 फीसदी है और यहाँ से बीजेपी को किसी तरीके की राहत नहीं मिलती नजर आ रही है क्योंकि जो इनके ऊपर जो इन वोट बैंक के ऊपर इन समुदाय के ऊपर राजनीति होती है उसमें मायती की पकड़ काफी अच्छी देखी जा सकती है अखिलेश यादव तो प्रखर रूप से यादव राजनीति को तवज्जो देते हैं दूसरी तरफ यदि बात कर ली जाए जयंत चौधरी जाट राजनीति के नेता पश्चिमी यूपी में करीब चालीस से पचास जो विधानसभा की सीटें हैं उन पर उनका अच्छा सियासी वर्चस्व है तो ऐसे में यहां पर जो है एक ऐसी कोशिश की जा रही है विपक्ष की तरफ से तमाम लोगों के द्वारा मिलकर तमाम नेताओं के द्वारा तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जहां से इस काम को थोड़ा सा आसान बनाया जा सके और कम से कम यूपी में भारतीय जनता पार्टी जो कि अपना गढ़ मान रही है उसको उस किले को ध्वस्त किया जा सके के लिए को ध्वस्त करने में साथ साथ शिरकत करते नजर आएंगे बंगाल यात्रा प्रवेश करेगी क्या ममता दिखेंगी बिहार आकर लालू तेजस्वी और नीतीश दिखेंगे और तमाम नेताओं की यहाँ पर भागीदारी को लेकर भी नजर रहने वाली है फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एस पी एन